फ्रेंड्स, मैं हूं प्रांजल और आज हम लोग बनाने वाले हैं क्रॉसबो। अगर आपको नहीं पता है क्रॉसबो क्या है तो इस वीडियो में आपको ये भी पता चल जाएगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बनाना। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए हमें चाहिए स्पेशली तो ये वुड्स। तो ये एक बैम्बू का पीस है जिसे कि मैंने इतना कट कर लिया है, और एक ये जो हमारे घर में पलंग वलंग में जो पलाई लगती है ना उसका एक पीस है, और ये हमारा एक एरो है। तो इसे हम साइड पे रख देते हैं। सबसे पहले जो हमारा बैम्बू है उसे हमें पूरे अच्छे से काट या स्क्रब कर देना ताकि इसे काटे वाटे निकल जाए। और निकालने के बाद जो ये पीस रहेगा ना, इस पर हमें कुछ इस तरह से एक हुक वाला कट बनाना है जिसमें ये बैम्बू पूरे अच्छे से घुस जाए। ओके, इस तरह से हमें ये डालना है, और यही बैम्बू हमारा मेन थ्रोवर होगा। और ये कुछ अच्छे से एकदम इसमें फिट हो जाए उसके लिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसे जिप्टा या फिर किसी और बैम्बू के पीस से बांध देंगे। और इसमें जो रबर का यूज करना है वो है ये एक्चुअली रबर नहीं है, ये एक ट्यूब जो होती है हमारे बाइक साइकिल ये सब में लगती है ना उसका एक पीस है, जैसे कि मैंने अच्छे से कट करके बना दिया। अगर मैं चाहता तो इन रबर का भी यूज कर सकता था, लेकिन इससे रेंज इसकी काफी ज्यादा कम हो जाएगी, तो इस रबर का यूज तो करना नहीं है। हमें थोड़ा ज्यादा रेंज बढ़ाना है इसका ताकि ये ज्यादा दूर तक एरो शूट कर सके, उसके लिए हमें इन ट्यूब के पीसेस का यूज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इन्हें बनाना। तो इसे बनाने के लिए एट फर्स्ट हमें जो होगा ना ये इसका बीच का पार्ट खोलना है। तो जैसे कि अभी मैंने जहाँ रखा वहां पे इसी तरह से आप अपने उंगली में से स्टेबल करके इसका मीडियम पार्ट चुन सकते हैं। अब इसे यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से रखना है, और इस पे एक बैम्बू का पीस लगाना है। तो बैम्बू का पीस लगाने के लिए आपको इसी तरह से एक और बैम्बू चाहिए होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे मैंने इसका मीडियम पॉइंट खोज लिया, उस बैम्बू के छोटे से पीस को यहाँ पे कुछ इस तरह से रख के इसमें ठोक देना है इसे। तो ठोकने के लिए ना आपको किसी भी तरह से आप कोई भी चीज का यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसे ठोक रहा हूँ लेकिन मुझसे तो ये अच्छे से घुस नहीं रहा है, रुको। तो फ्रेंड, जैसे मैंने इसे ठोक लिया, आपको करना क्या है, इस टाइप के रबर का पीसेस चाहिए होगा, इसे यहाँ पे ना इस तरह से कुछ किसी भी तरह से आपको यहाँ लॉक कर देना ताकि कहीं कभी ऐसा हो कि ये जो पीस है बैम्बू का ये हमारा निकल जाए तो हमारा जो ये रबर बैंड रहेगा वो इसे रोक देगा। अभी तो वैसे मैं रबर बैंड की जगह इन ट्यूब्स का यूज कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि ये ट्यूब है ना वो जल्दी से निकलती नहीं है और थोड़ा सा ज्यादा मजबूत होता है ये ट्यूब। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने इसे अच्छे से टाई कर दिया जगह में। आपको यहाँ पे ना ये कुछ इस तरह से यहाँ पे गांठ बन जाएगी, तो उसका कोई टेंशन आपको लेना नहीं है। अब क्या करना है, आपको इस तरह से दो रबर्स लेने और इन्हें यहाँ पे लगाना है। तो अब लगाने के लिए तो बेस्ट ऑप्शन है वो इन जिप टाइज का, क्योंकि जिप टाइज होती है ना काफी ज्यादा हार्ड होती है, और मतलब एक बार अगर इसे लॉक कर दिया जाए तो उस जगह से उसे हटने नहीं देगी। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको करना है और यहाँ पे जिप टाई लगा देना। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने तो एक साइड लगा लिया, इसी तरह से ना इसने दोनों साइड पे लगा देना, और ये बीच पे आपको रखना होगा क्या ताकि ये ऐसे हो जाए, वरना ना ये रबर काफी ज्यादा छोटा हो जाता है, छोटा होने के कारण ये जो लकड़ी है ये टूट सकती है या फिर हमारा जो एरो होगा वो फट सकता है। तो उसे ही बचाने के लिए हमें लगाना होगा तीन टोटल यहाँ पे। तो अगर जैसे कि अभी यहाँ पे आप ऐसे रखना है और फिर यहाँ पे जिप टाई को लॉक कर देना है। और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मैंने दोनों साइड्स पे तो लगा ही लिया। अब देखिए ऐसे ना छोटा हो जाता है, तो उसे ही अभी हमें पूरा करना होगा इस तीसरे रबर से। तो फ्रेंड्स, अब ये हमारा जो ये हुक था ये पूरे तरह से बन चुका है, तो आपको इसका कुछ रेंज तो दिख ही गया होगा। अब आपको क्या कर रहा है, कुछ इस तरह से एक स्क्रू लेना है ना जो इस पार्ट में फिट हो जाए। एक चीज आप इसने देखा होगा कि हमने ना यहाँ पे एक स्लोपी टाइप का डिजाइन बना दिया है जो कि पूरा स्लोप में, तो इस पे ही हमें ये फिट करना है। आपके पास अगर कोई प्लेन स्क्रू भी है तो भी यही काम करेगा, क्योंकि इधर दबाने से ना ये आगे की ओर उठ जाएगा। तो इसमें क्या करना है, हमें इन दो रबर्स को लेना है, रबर को इसे बड़ा करना है कुछ ऐसे, यहाँ पे ऐसे डाल के ऐसे। अब ये पूरी तरह से बड़ा हो गया है। अब क्या करना है, इसे आप सिर्फ अभी के लिए ही लगाइए और फिर इसके ऊपर से फिर से वो ट्यूब वाला कटिंग पीस लगा देना है। रुक दो, यहाँ पे मैंने इसे ट्यूब से बांध के यहाँ जिप टाई लगा दिया ताकि ये ट्यूब निकल ना जाए इस पार्ट से। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा होगा, ये एक ट्रिगर के जैसा काम कर रहा है। अब आपको करना कुछ ये है ना, ये जो मैं आगे रबर बैंड निकाला था, इस रबर बैंड को आगे में कुछ इस तरह से यहाँ डालना है और फिर इसे खींच के दूसरी तरफ में यहाँ पे आपको पीछे किया और ऐसे करके जिप रबर को कर देना है।
अब होगा ना ये ऐसा, ये जो रबर था ये हल्का से इसे रोक लेगा आगे ज्यादा नहीं बढ़ने से। अब करना आपको ये कि जैसे कि रुको, तो फ्रेंड्स एरो तो वैसे मैंने पहले ही बना के रख लिया था। ये कुछ ऐसा बैम्बू का पीस है जिसपे मैंने कुछ यहाँ पे ऐसा खांचा बना दिया ताकि ये इसमें रुक जाए। तो आपको ये करना ये है, इसे इसमें इस तरह से लॉक करना है, इसे यहाँ पे इसे आपको हुक कर देना है, और ये जो आपका पूरा जो मैकेनिज्म है वो रन करने के लिए रेडी है। तो फ्रेंड्स हुआ क्या, ये हमने यहाँ पे और इसे इसे छोटा किया और इस पार्ट को यहाँ टाइट किया है, और अब ये पूरी रेंज के साथ रेडी है, दिखा आपको। और भी आप इसे अच्छा बना सकते हैं। तो यही था हमारा आज का वीडियो, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।